आज की रेसिपी है सूजी का पापड़। सूजी का पापड़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सूजी का पापड़ बहुत ही हल्का, एकदम फूला फूला सा, तो थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा नमकीन, तीखा सा पापड़ आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच काली मिर्च लिया है हमने, साबुत जीरा 1 छोटी चम्मच, तीखा के 3 से 4 लाल मिर्च। इन मसालों को सबसे पहले तो हम अच्छे से भून लेंगे और इसका कलर हल्का हल्का जब चेंज होने लग जाए तो गैस को ऑफ कर देंगे और इन मसालों को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद इसको पीस करके इसका पाउडर बना लेंगे। अब इसको हम पीस लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं 2 से 3 गिलास पानी। तो सबसे पहले हम 2 गिलास पानी को ऐड कर लेते हैं और इसके बाद और आवश्यकता पड़ी तो हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी को गुनगुना होने दें। हल्का सा गुनगुना हो चुका है तो अब हम डाल रहे हैं 1 कप सूजी, और ये दानेदार सूजी है तो आपके पास जो भी सूजी है वो यूज़ कर सकते हैं, दानेदार पेस्ट होता है। तो 1 से 1.5 कप हमने यहाँ पर सूजी लिया हुआ है, और सूजी को पानी के सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो सूजी को डालने के बाद आप जब थोड़ा थोड़ा ये पकने लगे तो और भी पानी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो 1 गिलास पानी हम और डाल लेते हैं क्योंकि हमें इसमें और पानी की आवश्यकता पड़ रही थी। इसको धीरे धीरे चलाते हुए हमें थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है, और गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम और थोड़ा सा हाई फ्लेम में इसको हमें गाढ़ा करना है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं, हल्का नमक ही पापड़ में अच्छा लगता है। ज़्यादा नमक पड़ जाता है तो पापड़ का टेस्ट खराब हो जाता है। कोशिश करें हल्का नमक डालने का, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इससे ये बहुत ही अच्छा सा स्पंजी सा बनेगा, फूला फूला सा बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, ये देखिए। तो जब इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तो अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। पिसे हुए मसाले हैं लाल मिर्च, काले मिर्च और जीरा, जिसको हमने पीस करके पाउडर बनाया हुआ था, और ये इसमें गया। ये हमारे पापड़ को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएगा। अभी हमने गैस को ऑन ही रखा है और इन मसालों को डाल करके सूजी के साथ में भून रहे हैं। अच्छे से इसको मिला लेंगे, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब हम कर देते हैं गैस को ऑफ। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हल्का जब ठंडा हो जाए तो आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 डब्बा, जो कि जलेबी बनाने वाला, इमरती बनाने वाला जो डब्बा होता है, उसी डब्बे से हम जलेबी के आकार में ये पापड़ बनाएंगे। तो इसको हम डाल देते हैं इस पर। इसको हम जलेबी का आकार दे देते हैं, ये देखिए। हो सके तो थोड़ा मोटा मोटा बनाइएगा, क्योंकि पतला बनाने से सूखने के बाद और भी पतला हो जाता है, इसलिए थोड़ा मोटा बनाएंगे तो मोटा जो है वो सूखने के बाद हल्का सा ही पतला होगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। इसी प्रकार से हम सारी जलेबियाँ बना लेते हैं, और ये सारे प्रोसेस जो है हम जलेबी बनाने का, ये हम धूप में कर रहे हैं क्योंकि इसको धूप में ही हमें सुखानी है। तो थोड़ा सा इस पापड़ को हम इस टाइप में पूड़ी के टाइप में भी बना देते हैं और थोड़ा सा जलेबी बना लेते हैं। 2 तरह की हमारे पापड़ बनके तैयार होंगे, एक तो जलेबी और एक छोटी छोटी सी पूड़ियाँ। ये पूड़ियाँ जो है वो और भी फूला फूला एकदम बड़ा सा हो जाएगा छानने के बाद।
इस प्लास्टिक पे अच्छा होता है, प्लास्टिक में अगर आप तेल नहीं भी लगाते हैं फिर भी पापड़ जो है वो सूखने के बाद प्लास्टिक को छोड़ देता है। तो पापड़ को हमने पूरा प्लास्टिक पे कर लिया है, जलेबी बना लिया है और पूरी छोटी छोटी बना ली है। अब इसको हम धूप में रख दिए हैं, 1 से 2 दिन इसको धूप में दिखाएं और अच्छे से सूखने दें, और अच्छे से जब सूख जाएगा तभी एकदम फूला फूला सा पापड़ बनके तैयार होगा।